जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताया शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए ब्लास्ट मामले में आज और कल में 10 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के कारण जान गंवाने वालों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल है। तो वहीं 34 मरीजों का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। सोमवार को जिन लोगों ने दम तोड़ा उनमें दूल्हे के माँ धापू कवर भी शामिल है। इधर सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोग पीड़ितों की आर्थिक भी मदद कर रहे हैं। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर ने भी 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आपको बताया 10 और लोगों ने इलाज के दौरान जो है दम तोड़ दिया है। तो वहीं बाकी लोगों का इलाज जारी है जिनकी हालत इस समय गंभीर बनी हुई है। तो वहीं आपको बताया पूर्व विधायक ने भी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में जो है मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताया 10 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं जिन लोगों का इलाज जारी है उनकी हालत भी इस समय गंभीर बताई जा रही है। पूर्व विधायक ने आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दयाल सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दयाल, देखिए जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में जो मृतकों की संख्या है और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्या कुछ अपडेट है अभी इस पूरी खबर पर? देखिए अर्ची, बताना चाहूंगा कि अब तक जो है 22 लोगों की मौत हो चुकी है। आज जो है सवेरे तक 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद आज जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है जो एमजीएस अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों की स्थिति एक बार जान रहे हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि दूल्हा के पिता जो है उनकी भी आज डेथ हो चुकी है। अरुचि अजय दयाल, देखिए जो पूर्व विधायक है उनके द्वारा आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है, तो वहीं कई और लोग भी जो है आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए अजय, बताना चाहूंगा कि पूर्व विधायक जो बाबू सिंह राठौड़ है भाजपा के, उन्होंने भी मांग की है कि उनकी जो आर्थिक सहायता दी जा रही है जो 7 लाख रुपए उससे बढ़ाया जाए। इसको लेकर मांग उनकी आई है और राज्य सरकार ने भी इस पर विचार किया है और दूसरे संगठन है उन्होंने भी राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। अजीत दयाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।